की जंग से इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। टीएमसी सांसद और सुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी जल्द अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिशिर अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी हमें मजबूर कर रही है, हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीति पार्टी में ही रहेंगे, यानी कि राजनीति से जुड़े रहेंगे। यही नहीं, शिशिर अधिकारी ने यह भी कहा कि नंदीग्राम से सुवेंदु ही जीतेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बंग की जंग से टीएमसी हमें दूसरी पार्टियों में जाने को मजबूर कर रही है। नंदीग्राम से ममता नहीं सुवेंदु की विजय होगी इस बार। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद शिशिर अधिकारी। शिशिर दा, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको हम सांसद कहकर पुकारे या तृणमूल कांग्रेस के सांसद बुलाएं? जो आपका मर्जी, आप बोल नहीं सकता है, लेकिन आई और नो हुआ रहा है। तो हमारा जो पार्टी हम करता है वो पार्टी तो सासिंग में पुशिंग में गद्दार है, मिर्जापुर है, बेईमान है, ये सब बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट लगा दिया। दादा, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि काथी में जो रैली होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उसमें आप जा सकते हैं, तो क्या जाएंगे और क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं आप? ना ना, वो तो देखिए, हम लोग शामिल होने, शामिल तो लोग कर दिया, हमारा पार्टी हम लोग को शामिल कर दिया। दे आर लाइक वाटर पिस्टल, दे आर प्रेसिंग मी इनको, दे आर, हम लोग पदाधिकारी है, हम लोग पार्टी का जिला का पायलट है। हम लोग, हमसे जैसा से अटैक किया, वो अटैक किसी को किया कि कभी कोई हिस्ट्री में नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इमोशनली एक सेटबैक लगता है, दर्द होता है जब मिर्जाफर, गद्दार ऐसे शब्दों का जो है इस्तेमाल होता है आपके और शुभेंदु दा के लिए, आपके परिवार के लिए? नहीं नहीं, ये तो अंदर जो है जलता है, अंदर जलता है। ये शुभेंदु गया, गया, हम तो नहीं गया, हम तो कभी भी एक लाइन पार्टी के अगेंस्ट में नहीं गया बोला। क्या पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं रही, या अगर आपको अपना डिसेंट एक्सप्रेस करना है, क्योंकि क्या अपने ममता बनर्जी से कोई बात हुई हाल ही में? हम तो कभी नहीं बोलने सके, मुझे दादा बोलता है, दादा बोलता है, मुझे कभी असर नहीं किया। ममता बनर्जी ने आपसे बात करने की कोशिश की इतने दिनों में? नहीं नहीं, किया 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 करने की क्या कोई कोशिश? नहीं, उन्होंने मुझे बात किया था, वो बात जो बंद हो गया, टॉकिंग रिलेशन जब स्टॉप हो गया। कब हुआ? दादा, बार बार जो है तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा जाता है कि आपके परिवार को, पूरे परिवार को, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो काफी पोस्ट मिली है, पार्टी में पोस्ट मिली है, देने वाला कौन है? हम लोग जब तक नहीं ज्वाइन किया, एक तो क्लब में भी टीएमसी जिला में जितने क्षमता नहीं था, हम लोग जीता है, जिसका हम जीता है, वन आफ्टर अनदर गोल हम लोग दे दिया, स्ट्रेंथ बन गया ये पार्टी का। क्या बोलता है दादा? नंदीग्राम आंदोलन आपने लीड किया, आपके दो किया नहीं, हम उसको हाथ पकड़ के घर का बहन के पापी में हम लाया था, हम उसको हाथ पकड़ के, आप प्रेशर रेज करके हम लाया था, वो लोग आने नहीं चाहता है। अब तक जो दो आपके सैनिक थे नंदीग्राम आंदोलन में, आज वो आमने सामने हैं, आपके बेटे शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या लगता है आपको नंदीग्राम से कौन जीतेगा और आप किसका साथ देंगे? नंदीग्राम का आदमी रिप्लाई करेगा, हम तो लड़का को छोड़ के लड़का को ब्लेसिंग देगा, जरूर देगा, हम किसी को बाहर का आदमी को नहीं देने सकेगा। जब कुछ ऐसा लड़ाई होता है, ये लड़ाई में हम लोग लड़का के पास जरूर है, नंदीग्राम का आदमी के पास जरूर है, हम जरूर आई विल ब्लेस माय सन। क्या ममता बनर्जी जीतेंगी? नहीं नहीं, वो कभी नहीं जीतने सकेगा, कभी नहीं जीतने सकेगा। जो लोग आदमी लोग आधार में जाके ये फॉल्स स्टोरी खड़ा करा, बैंडेज लगाया, प्लास्टर खड़ा करा, फॉल्स स्टोरी, असोल्टिंग द पीपल ऑफ नंदीग्राम, ये पीपल ऑफ नंदीग्राम तार से सर। क्या लगता है वो चोट जो है वो नाटक कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये चुनाव जो है बहुत नेक टू नेक होने वाला है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी? कौन जीतेगा आपके हिसाब से? स्टेट वन वे फाइट होगा, नो नेक टू नेक, वो कागज वाला पेपर वाला। कौन जीतेगा ये चुनाव? जरूर शुभेंदु जीतेगा। दादा, आखिरी सवाल और एकदम स्ट्रेट सवाल, तो आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? शामिल तो हम लोग का होने का कोई बाकी नहीं है, वो लोग तो पुशिंग में थ्रशिंग में गो एंड ज्वाइन किया। हम लोग जाएगा कहाँ, पॉलिटिकल आदमी हम लोग कहाँ जाएगा, जंगल में चला जाएगा? नहीं ना, हिमालय में चला जाएगा, साधु बन जाएगा, लटा बंटी लेके साधु बन जाएगा,
तो एक पॉलिटिकल फैमिली, सोशल फैमिली, जिसका घर में मंत्री भी होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है, जिसका चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी होता है, ये लॉन्ग हिस्ट्री इज इतिहास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधीयान का जो आदर्श है, आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी के साथ हम लोग करता है। हम लोग जंगल में चला जाएगा, हिमालय में जाएगा, इसके अटैक में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जहाँ वो लोग भेजता है वहाँ ही चला जाएगा। तो दादा, आपने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है या आप देंगे? इस्तीफा छोड़िए, जहाँ मोहन बोलता है, जो होता है आदमी का पास, हम उसमें ही जाएगा। लेट देम टेक एक्शन, लेट देम रिमूव। तो ये थे सांसद शिशिर अधिकारी, उन्होंने साफ कह दिया और औपचारिक रूप पर उन्होंने कहा कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे, वो साथ में उस जनसभा में भी पहुंचेंगे और मंच भी शेयर करेंगे। मिद्नापुर से कैमरा पर्सन फिलिक्स सोकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए, नंदीग्राम से यह खबर है जहां ममता को डबल अटैक लगने वाला है, यानी नंदीग्राम में ममता को फिर झटका लग सकता है। सुवेंदु के भाई दिवेंदु भी बीजेपी में जा सकते हैं। टीएमसी सांसद दिवेंदु को बीजेपी से मिला है न्योता। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। दिवेंदु ने यह कहा, मुझे कार्यक्रमों में नहीं बुलाती है टीएमसी, ये भी इन्होंने व्यक्त किया है। करीबन 4-5 महीना हो गया, टीएमसी का कोई भी कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। टीएमसी का जिला का जो प्रमुख है, जिला का जो अध्यक्ष है, वो बोल रहा है कि हमको हर एक प्रोग्राम में बुला रहा है। ये झूठा बात है। अभी तक मैं डिसाइड नहीं किया हूँ। मेरे पास नौता आया है बीजेपी के आला कमांड की तरफ से, मुझे नौता भेजा गया है। मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन आगे वाला दिन बोलेगा क्या होगा या नहीं होगा। तो एक के बाद एक लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को झटके मिल रहे हैं। पार्टी के जो धुरंधर हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो टीएमसी का साथ छोड़ करके सीधे ओपोजिशन यानी कि बीजेपी के साथ जाकर के मिल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप लौटेंगे फौरन, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।